साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है? सेफ है, ऑफकोर्स 110%। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि आम आदमी को इस वैक्सीन का फ़ायदा होगा निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चला रही है, चिदंबरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज़ सीबीआई जाना पड़ता है, हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है, तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। कोविड उनके लिए विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने, महंगाई इसी के सामने, बेरोजगारी